और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? चलो अच्छी बात है, बढ़िया हो तुम तो भाई आ जाओ, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे आज किसके बारे में, फिक्स्ड असेट्स के बारे में। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर फिक्स्ड असेट्स, आपने असेट्स तो बता दिया कि भाई असेट ये होता है, लेकिन फिक्स्ड असेट क्या होता है? भाई मैं बताता हूँ, फिक्स्ड फिक्स का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। और असेट का मतलब क्या हो गया? संपत्ति, यानी कि लंबे समय की संपत्ति। बात समझ में आई नहीं आई? अब आ जाओ जरा सुनो ध्यान से। दीज आर दोज असेट्स विच आर नॉट हेल्ड इन द बिजनेस फॉर क्या? रीसेलिंग। ये वो असेट है, ठीक है, जो कि बिजनेस में हेल्ड है, मतलब रखी हुई है। वो इस पर्पज से नहीं रखी हुई कि हम इनको क्या करेंगे, दोबारा से बेच देंगे। मतलब ये हुआ, हमने इनको परचेस तो कर लिया, पर किस पर्पज से परचेस किया है? दोबारा बेचने के पर्पज से परचेस नहीं किया है, ठीक है। बट आर हेल्ड फॉर अ क्या? लॉन्ग टर्म टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ क्या? बिजनेस। हमने इनको इस पर्पज से परचेस किया है कि लंबे समय के लिए हमारे पास रहेंगी और हमारे बिजनेस की क्या करेंगी, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगी। दैट इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे? फिक्स असेट्स। तो हमें बात समझ में आ गई कि फिक्स असेट्स क्या होती है, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो आ जाओ। अब हमें इनमें से बताना है कि इन दोनों में से कौन सा हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स है। क्या? एक तो है स्टॉक और दूसरा क्या है, प्लांट। तो बच्चों मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के क्या कमेंट का, तो देखते हैं कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि स्टॉक और प्लांट में से हमारा फिक्स्ड असेट कौन सा हैगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग भी क्लास 11th और 12th में एक अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, एक अच्छा कोर्स चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ करके हमारे यानी कि टीम केल्विन के जो भी फैकल्टीज हैं उन सभी के साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो बच्चों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फॉर्म दे रखा है, फॉर्म को फिल कर दीजिए आप लोग अभी के अभी। कोई सा भी कोर्स आप परचेस करें, चाहे आप आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं या फिर बच्चों आप साइंस में जाएं, 3 से 4 हज़ार ही पूरे साल की फीस होने वाली है और सारे सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ाए जाएंगे। और बच्चों जो कोर्स होगा उसमें क्या मिलेगा, सिर्फ डेली क्लासेस नहीं, डीपीपीज मिलेंगे, जिसमें आप लोग हर एक डीपीपी से आप लोगों का लेवल जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को डाउट इंजन भी मिलेगा, आप लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनकी फोटोज खींच क्लिक करके डालेंगे और आपको उसके आंसर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो इंतजार किस बात का है, अभी के अभी बच्चों फॉर्म को फिल कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से क्लास 11th के इस कोर्स में।